नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं बिहार की बात। आज बिहार की बात पे बात करेंगे उन आंकड़ों की जो प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बिहटा पटना। और बिहार को लेकर खबर बहुत नकारात्मक है। बिहार में लगभग 4,26,64,825 जनधन खाते हैं, मगर इनमें से 62,76,025 खाते ऐसे हैं जो बंद होने जा रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है कि बीते एक वर्ष से इन खातों में कोई ट्रांजैक्शन यानी कि कोई लेन देन नहीं हुआ। बड़े ही उम्मीद से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, लोगों को इससे जोड़ा गया था और लोगों का रुझान भी इसको लेकर के देखने को मिल रहा था। अकेले बिहार से ही 4 करोड़ से अधिक लोगों ने जनधन खाते खुलवाए, मगर कुछ वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। कुछ सरकार के कामों में कमी हुई, कुछ कमियां बैंकों की ओर से हुई और इन तमाम कमियों का नतीजा ये हुआ कि अब इन खातों को मजबूरन बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लगभग 63 लाख लोग नहीं कर रहे और इसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है और अब एक विशेष रिपोर्ट इस पर हमने तैयार की है, जिसमें कि इन तमाम बातों का जिक्र होगा कि क्यों बिहार आर्थिक रूप से आज भी पिछड़ा है। शुरुआत होती है बीती सरकारों की बात से, जब बिहार के हालात बहुत सुधरे नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे कर उद्योग बढ़ रहा है, लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं और सरकार यह दावे करती है कि सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से करने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन बावजूद इसके बिहार से जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं वो केंद्र सरकार के लिए भी चिंताजनक हैं और राज्य सरकार के लिए भी, खासकर इस कारण कि आखिर जिन जनधन खातों को लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए वो कितने पूरे हुए और पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं पूरे हुए। इन तमाम दावों और वादों के मद्देनज़र आज बिहार में ऐसे हालात हो गए हैं कि कई जनधन खाते बंद करने किए जाने वाले हैं। दरअसल वित्तीय लेन देन के अभाव में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कई खाते खोले गए, जिन बैंक खातों में वित्तीय लेन देन पिछले 1 साल से नहीं हो रहा था उन्हें बंद करना पड़ रहा है। बैंकिंग सूत्रों की माने तो बिहार में अब तक लाखों जनधन खाते बंद हो भी चुके हैं। छोटे छोटे कारोबार करने वालों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को जनधन खाते के माध्यम से आर्थिक गतिविधि से जोड़ा गया था, लेकिन यह सफल होता नहीं नजर आ रहा। जबकि इस खाते के साथ खाताधारकों को 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी दी गई थी, लेकिन कारण यही है कि आर्थिक हालात उतने सुदृढ़ नहीं है कि लोग लेन देन कर सके और अपने जनधन खातों को बचा सके। मगर एक योजना बनाई गई, एक तैयारी की गई कि हर किसी को देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। उम्मीदें बहुत थी, बातें बहुत हुई, दावे बहुत हुए, मगर सरकार इसमें बहुत हद तक सफल होती नहीं दिख पाई। शुरुआती दौर में इसको लेकर के बहुत आक्रामक रूप से काम किया गया, लोग एक के बाद एक जुड़ते गए, मगर कहीं ना कहीं इस योजना में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया और अब हालात ऐसे हैं कि जो लोग हैं वो इससे मतलब अपने खातों में लेन देन नहीं कर रहे, बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ रहे। और इसका एक कारण यह भी है कि लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है, लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत ही नहीं है कि वो उससे जुड़ पाए। और बिहार में यह आंकड़ा 63 लाख से ज़्यादा का है। अकाउंट तो खुले मगर लेन देन करने वालों की योग्यता नहीं बन पाई। और जब एक तरफ दावे होते हैं कि बिहार लगातार प्रगति कर रहा है, एक दौर वो भी था कि बिहार बहुत पिछड़ा था लेकिन अब उसके हालात सुधरे, बीमारू राज्य का तबका भी लगा, साथ ही साथ गरीबी का जो रेट है बिहार में वह भी बहुत है, और इन तमाम कारणों के मद्देनज़र हालात ऐसे हुए कि जनधन योजना बिहार में अभी तक कारीगर साबित नहीं हो पा रही है। यह आंकड़े जो आज हमारे सामने आए हैं वो यही बतलाते हैं। जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि
इसमें सिर्फ सरकार की कमजोरी नहीं है, उन बैंकों की भी लापरवाही है जिन्होंने जनधन योजना के तहत सही तरीकों से काम नहीं किया, लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, सुविधाएं नहीं पहुंची, और तभी हालात ऐसे हुए कि लोग मजबूरन अपने खातों को बंद होता देख रहे हैं। आपको बता दें कि इन बैंक खातों में राशि की जमा निकासी या एटीएम के इस्तेमाल इत्यादि पर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है, इसके बावजूद भी जनधन खाते बंद हो रहे हैं। राज्य में करीब 62,76,025 जनधन खाते बंद पड़े हैं। इन खाताधारकों ने किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन किया ही नहीं। बिहार में कुल 4,26,64,825 जनधन खाते हैं। इनमें अभी कुल 3,63,88,000 सक्रिय हैं। इन खातों में कुल 5,100 करोड़ रुपए जमा भी हैं। वित्तीय वर्ष 18-19 में 31 मार्च तक 69,68,678 नए खाते खोले गए हैं। इन नए खातों में कुल 2,099 करोड़ रुपए जमा भी हैं। लेकिन बावजूद इसके वह आंकड़ा, वह मात्रा, वह संख्या कम नहीं हो रही उन लोगों की जो इसमें इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। चिंता हर चीज़ से जुड़ी, और अंत में सरकार की जिम्मेदारी कुछ ऐसी कि जो अलग अलग योजनाओं के तहत वादे किए जाते हैं, जो लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बातें की जाती हैं, जो लोगों के आर्थिक हालात को सुधारने की, मजबूत करने की बातें की जाती हैं, वह कारीगर साबित क्यों नहीं होती? क्या बिहार इतना पिछड़ा है कि लाखों की तादाद में लोग बैंक का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, जबकि बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने से ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि यह अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जनधन खातों पर इतना मेहनत शुरू किया गया था, इतने लोगों को उससे जोड़ा जाना शुरू किया गया था। शुरुआत में वादे भी किए गए कि हर खाताधारक को 3,000-3,000 रुपये मिलेंगे, बहुत लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं भी मिले। और अब जब एक साल से अधिक वक्त बीत जाने के बाद जब एक भी रुपए का लेन देन नहीं होता, तो बैंक और जो अधिकारी हैं वो मजबूर हैं कि इन खातों को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। और लगभग 63,00,000 खाते अकेले बिहार से बंद हो गए हैं। यानी कि जो योजना जिसे एक उभार माना जा रहा था अर्थव्यवस्था में, वो अब अपने डाउनफॉल पर आ गई है और वापस से धरातल पर कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। हर ओर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आर के दास हैं, समन्वयक हैं राज्य स्तरीय बैंक कमेटी के। इनका कहना है कि बैंक खाते बंद होते हैं तो नए खाते खोले भी जाते हैं। यह बैंकिंग सेक्टर की एक सामान्य प्रक्रिया है। यानी कि इनका यह बचाव कर रहे हैं इस आंकड़े का जो आज सबके सामने है कि जितनी संख्या में खाते बंद हुए। इनका कहना है कि अगर जनधन खाते बंद हुए हैं तो अन्य तरह के खाते खोले भी गए हैं, और कहीं ना कहीं लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। ऐसी कोई नकारात्मक बात नहीं है या कोई दुखद खबर नहीं है कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में सरकार कामयाब नहीं हो रही। लेकिन बावजूद इसके हर ओर अब यही बातें हो रही हैं कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के दावे हर बार बजट पेश होने के बाद और इन तमाम तरह की चर्चाओं के बाद, अलग अलग योजनाओं के दावों के बाद भी हालात ऐसे हैं कि लाखों लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ पा रहे और अपनी आर्थिक स्थिति को इस कदर नहीं सुधार पा रहे या सरकार उनकी मदद करने में कामयाब नहीं हो पा रही कि वो अकाउंट में, अपने खातों में लेन देन कर सके। कमियां बैंकों के भीतर से भी आई हैं, क्योंकि जनधन खाते जब पूरे बिहार भर में खोले गए तो जो बैंक थी उनकी भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। शुरुआती दौर में जिस तरह से बैठकें हो रही थी बैंक के अधिकारियों से और जिस तरह से वह काम कर रहे थे, उससे अलग अलग जगहों पर फायदा मिलता हुआ नजर आया। ऐसा लगा कि बैंक्स काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कहीं ना कहीं जनधन योजना से जुड़े अधिकारियों की सक्रियता भी कम हुई और बैंकों पर जो दबाव था अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का जनधन योजना को, वो कम होता गया। और उसके बाद कम होते होते आज हालात ऐसे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं बैंक खातों के बंद होने के,
खुलने वाली संख्या उतनी नहीं है जितनी बंद होने वालों की संख्या है, और जिस ताकत के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया था उस ताकत के साथ यह योजना आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आती। साथ ही साथ आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा इन खातों में दी गई थी। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार बिहार में जनधन खातों के माध्यम से अब तक 298 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 18-19 में 58 करोड़ का ओवरड्राफ्ट किया गया। ओवरड्राफ्ट की सुविधा में खातों में पैसे न रहने के बावजूद भी खाताधारक तयशुदा राशि निकाल सकते थे। तो इन तमाम सुविधाओं के बावजूद हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जिक्र है इन सुविधाओं का, इन बातों का, दूसरी तरफ जिक्र है उस हालात का जो बिहार की अर्थव्यवस्था के एक चेहरे को आपके सामने रख रहे हैं। 63 लाख लोगों के जनधन खाते बंद होना, इसी तस्वीर को लोगों के सामने लाते हैं। और एक प्रयास सरकार और विभाग की ओर से अभी भी जारी है कैसे इन आंकड़ों को रोका जाए। अर्थशास्त्री कुछ कारण दे रहे हैं, बैंक कमेटी के सदस्य कुछ और तर्क देकर बचाव कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े जो हैं वो आप सबके सामने हैं और हालात चिंताजनक हैं। और अभी भी सरकार इसको लेकर के कितनी संजीदगी दिखाती है यह देखना होगा, क्योंकि अन्य पटल पर, अन्य विभागों में, अन्य जगहों पर भी नीतीश कुमार की सुशासन सरकार जो बीते लगभग 15 सालों से बिहार में काम कर रही है वो कमज़ोर हुई। बीते दिनों जब चमकी बुखार का अटैक हुआ तो भी किस तरह से स्वास्थ्य विभाग लाचार पड़ा रहा यह हमने देखा। अन्य विभाग की बात करें तो उनके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षकों का आंदोलन चरम पर था तो TET और TET पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हमने आपको दिखाया, जो नियोजित शिक्षक थे उनका प्रदर्शन हमने आपको दिखलाया, उधर भी नाराजगी है। सरकारी स्कूलों के हालात जिस कदर चरमराए हुए हैं वो एक अलग चेहरा दिखलाती है बिहार का। और इन तमाम चेहरों के बीच अब एक ये चेहरा और देखिए, जहां आर्थिक तंगी, आर्थिक कमजोरी बिहार का नाम खबरों में लेकर आ रही है। जिस कदर दावे हुए, वादे हुए, स्पेशल पैकेज, डबल इंजन की सरकार अलग अलग वादे करके गई, उससे उम्मीद तो यह लगाए जा रहे थे कि हालात सुधरेंगे, हम भी अन्य राज्यों की रफ्तार से बढ़ेंगे, मगर आंकड़े कुछ और कहते हैं। विधानसभा में कुछ भी बात हो, दावे कुछ भी किए जाएं, मगर हालात जो हैं वो प्रतिकूल नहीं नज़र आते। विपक्ष भी कहीं कमज़ोर है। आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और उससे पहले इन तमाम तरीकों की खबरें, चाहे वो चमकी बुखार से होने वाली मौतों का हो, नियोजित TET पास अभ्यर्थियों का हो, नियोजित शिक्षकों और TET पास अभ्यर्थियों का हो, या फिर अन्य किसी भी विभाग की बदहाली की बात हो, हर तरफ वो रफ्तार नहीं दिखता जिसकी बिहार की जनता उम्मीद करती है, जिस उम्मीद से बिहार की जनता हर 5 साल पर एक सरकार चुनती है, उसमें उम्मीदें जताती है। और कहीं ना कहीं बिहार में विपक्ष की कमजोरी भी इसका एक बड़ा कारण बनी हुई है। बहरहाल आर्थिक विभाग से जुड़ा हुआ, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखा। अन्य क्षेत्रों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं और हर बार एक सामाजिक सरोकार के मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने आते हैं, और इस बार भी अब बिहार सरकार इन तमाम चीज़ों पर क्या आकर्षण लाती है यह देखना होगा। लेकिन हालात बेहद ही चिंताजनक है और वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द सरकार इन तमाम चीज़ों पर काम करे, नहीं तो जनता आने वाले चुनावों में कोई कड़ा फैसला भी सुना सकती है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, हर खबर हर अपडेट सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आज बिहार की बात में बस इतना ही, एक नए मुद्दे के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।